स्टूडेंट्स, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन कमिटीज। और मैंने ये जो चार्ट आपके लिए बना के दिया है, अलॉन्ग विद कंपनीज एक्ट भी थोड़ा लिखने की कोशिश करी है। देखिए, हम सभी रेगुलेशंस में पढ़ने वाले हैं बेटा जी, चार कमेटियां। पहली आप देख रहे हैं ऑडिट कमेटी अंडर रेगुलेशन नंबर 18। लेकिन ऑडिट कमेटी हम कंपनीज एक्ट में भी कहां पढ़ते हैं, सेक्शन 177 में पढ़ते हैं। अब आपको याद होना चाहिए ऑडिट कमेटी कौन सी कंपनी में बनानी होती है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला आंसर है 149(4) लिस्टेड में, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसमें तीन लिमिट 10, 100, more than 50 crore। 10 क्या हो गया, पीयूसी 10 करोड़, 100 करोड़ आपकी टर्नओवर, मोर देन 50 करोड़ डीडीएल एग्रीगेट ऑफ डिपॉजिट डिबेंचर लोन्स। सेम आंसर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, सेम ऑडिट कमेटी का है। एंड ध्यान रहिए एनआरसी नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी सेबी रेगुलेशन नंबर 19 है। और एक चीज तो मत भूलिए, सेबी रेगुलेशन किसके ऊपर लगता है, लिस्टेड एंटिटी। कंपनीज एक्ट में कहां पढ़ते हैं हम इसे, सेक्शन 178 में। और एनआरसी भी कहां बनानी पड़ती है, सेम आंसर यही इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी वाला। देयर आफ्टर एसआरसी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एसआरसी, कंपनीज एक्ट में कहां पढ़ते हैं आप, सेक्शन नंबर 178 में। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी तभी बनानी होती है अगर कंपनी में कम से कम 1000 से ज्यादा क्या हो, सिक्योरिटी होल्डर्स हो। स्टेक होल्डर लिखा है, शेयर होल्डर नहीं लिखा, तो इसके अंदर कौन आएंगे, शेयर होल्डर भी आएंगे, डिबेंचर होल्डर भी आएंगे, अदर सिक्योरिटी होल्डर भी आएंगे, ये याद रखें। तो कंपनीज एक्ट की लिमिट को साथ में लेके चले। नंबर 4 आखिरी कमेटी आती है हमारी आरएमसी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, सेबी रेगुलेशन 21 है। देखिए यहां 20 था, तो सेबी रेगुलेशन 18 से लेके 21 तक ये रेगुलेशन नंबर पक्का याद रखें आप पेपर के लिए। इंटरेस्टिंग चीज है, आरएमसी कंपनीज एक्ट में नहीं है। क्या सीखा इससे आपने, इससे आपने ये सीखा अनलिस्टेड कंपनी में ये कमेटी नहीं बनती। अब एक बार और इंटरेस्टेड चीज सीखिए, ऑडिट कमेटी एंड एनआरसी सेबी रेगुलेशन तो तभी लगेंगे ना अगर आप कौन सी एंटिटी हो, लिस्टेड हो। लेकिन कंपनीज एक्ट में इंटरेस्टिंगली आपको क्या याद रखना है, कंपनीज एक्ट में भी एक कमेटियां बनानी पड़ेगी चाहे आप क्या हो, प्रोवाइडेड आप किसके अंदर आ गए, तीन लिमिट्स में। तो ये कंपैरेटिव डिफरेंस आपको पता होना बड़ा लाजमी है। आइए अब कुछ बेसिस मैंने बनाए हैं, जैसे मिनिमम नंबर। देखिए नॉर्मली कमेटी में जो लोग होते हैं उसे कहते हैं मेंबर्स, और वो डायरेक्टर होते हैं, ये बेसिक चीज ना भूले आप। कमेटी में जो लोग होते हैं वर्ड इस्तेमाल करते हैं मेंबर, लेकिन बेसिकली वो क्या होते हैं, डायरेक्टर। तो देखिए सेबी रेगुलेशन क्या कहती है, ऑडिट कमेटी में होंगे तीन डायरेक्टर एज व्हाट। इंटरेस्टिंगली चीज कंपनीज एक्ट में भी बेटे आंसर क्या है, सेम है, टिक लिखा है, टिक का मतलब सेम। सो तीन डायरेक्टर होंगे। नाउ एनआरसी में आप देख रहे हैं मैंने हर जगह क्या लिख दिया, टिक टिक टिक, टिक टिक का मतलब द आंसर इज सेम, तीन। एनआरसी कंपनीज एक्ट भी सेम, एसआरसी। अच्छा एक चीज और है एनआरसी में, ध्यान रखिएगा तीन डायरेक्टर कम से कम होंगे लेकिन वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव। एनआरसी में ये लिमिट है। एसआरसी में भी क्या होंगे, तीन डायरेक्टर होंगे, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंगली है कंपनीज है किस पॉइंट के ऊपर क्या है, साइलेंट। कैसे साइलेंट है वो भी हम साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको ढंग से चीजें पता चले, वो मैं शो करता हूं आपको। एक बार बस ये याद रखिए, एसी सेबी हो, कंपनीज एक्ट हो, तीन डायरेक्टर। एनआरसी तीन डायरेक्टर, सेबी हो, कंपनीज एक्ट हो, लेकिन ध्यान रखना तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, और कंपनीज एक्ट भी यही कहता है, सेम आंसर है। एसआरसी में सेबी रेगुलेशन क्या कहती है, तीन होंगे, लेकिन कंपनीज एक्ट ऐसा नहीं कहता। कंपनीज एक्ट का मैं बताता हूं आपको, एक बार आरएमसी देख लीजिए। आरएमसी में क्या कह गया, डायरेक्टर वर्ड नहीं लिखा, प्लीज अप्रिशिएट करो, तीन होंगे मेंबर लिखा है, ये तीन क्या ये डायरेक्टर होंगे। अब देखो विद मेजॉरिटी ऑफ मेंबर टू बी व्हाट,
मेजोरिटी मींस मोर देन 50%। तो अगर आप तीन ही रखते हो तो दो डायरेक्टर होंगे, अगर आप चार रखते हो तो तीन डायरेक्टर होंगे, अगर आप पांच रखते हो तो मेजोरिटी किससे होगी? तीन डायरेक्टर आपको चाहिए, ये आपने समझना है। अब देखिए कंपनीज एक्ट SRC सेक्शन नंबर 178 है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, लेकिन कॉम्पोजिशन में क्या लिखा है? पॉइंट नंबर ए देखिए, चेयरपर्सन शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कि चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, लेकिन बाकी कितने लोग होंगे? सच अदर मेंबर्स एज बोर्ड में डिसाइड। तो मतलब मेन क्या लेके चलेंगे? अरे भैया सेबी रेगुलेशन कहती है SRC में क्या होना चाहिए? तीन डायरेक्टर। लेकिन कंपनीज एक्ट मैंने क्रॉस क्यों डाला? क्योंकि कंपनीज एक्ट ऐसे तीन की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है इतने मेंबर होंगे जितना बोर्ड को ठीक लगता है। तो आप चाहें तो यहां पे भी साथ में लिख सकते हैं एज BOD डिसाइड्स, इस तरह से लिखना हो आप एड ऑन कर सकते हैं। चलिए कहानी आगे बढ़ती है, ये आ गया मिनिमम। देखिए याद कीजिएगा सेबी के साथ कंपनीज एक्ट, थोड़ा मेहनत हम ज्यादा अच्छा से कर रहे हैं यहां पे। अब कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसका मतलब कि जितने मेंबर है उनमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए। तो AC में तीन थे, कहता उसमें से 2/3 क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट, 2/3। और कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है मोर देन 50%। अब ध्यान दीजिए, अगर ये चार्ट ना बनाऊं तो अलग अलग आप जगह पे पढ़ो कंपनीज एक्ट सेबी रेगुलेशन, आप पागल हो जाओगे। इसलिए ये चार्ट आपको अपने दिमाग में अपने जहन में बिठा लेना होगा, बिल्कुल इस चार्ट की तस्वीर दिमाग में बिठानी होगी। तो इसलिए थोड़ा मैं स्लो चलूंगा प्लीज, कि AC में तीन है, कंपनीज एक्ट में भी शुक्र है सेम है, लेकिन उसमें से 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट कहता मोर देन 50%, या जिसे आप वर्ड चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी किसकी हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। आइए NRC क्या कहता है, NRC में कहता है 50%, दैट मीन्स हाफ टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 50 कह रहा है, मोर देन 50 नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, मतलब 50% और मोर। शुक्र है कंपनी सेक्ट क्या है? सेम है, लेकिन शुक्र होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेपर तक आप गड़बड़ कर सकते हो। और दिमाग लगाओ कितनी बढ़िया केस स्टडी बना देगा सेबी रेगुलेशन रेड विद कंपनी सेक्ट। टिप्स पे मेहनत करनी होगी यहां पे। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर AC सेबी रेगुलेशन 2/3, कंपनीज एक्ट मेजॉरिटी, NRC कंपनी हो सेबी रेगुलेशन हो कम से कम हाफ, राइट? SRC सेबी रेगुलेशन वांट टू बी व्हाट? कम से कम एक इंडिपेंडेंट चाहिए, वैसे तो तीन थे, और कंपनीज एक्ट में जो बोर्ड को ठीक लगे, और कंपनीज एक्ट कुछ ऐसी बात नहीं करता किसकी? इंडिपेंडेंट की। RMC में क्या कहता है? जैसे हमने कहा मिनिमम तीन मेंबर थे, उन तीन में से मेजॉरिटी किसकी थी? डायरेक्टर की। और कम से कम आईडी कितना चाहिए? एक। लेकिन RMC में समस्याएं और भी हैं। कहता है इफ लिस्टेड एंटिटी हैज SR इक्विटी शेयर्स, कौन से इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास? SR। सर ऐसा तो हमने कभी कंपनीज एक्ट में सुना ही नहीं वर्ड। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं सुना। आपने कंपनीज एक्ट में वर्ड सुना है DVR, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ये उसी का हिस्सा है। बस SR का मतलब क्या है? सुपीरियर वोटिंग राइट। नॉर्मली आप पढ़ लेते हो DVR क्या होता है, उनको कम राइट होता है, वोटिंग राइट कम होते हैं, डिविडेंड ज्यादा होता है। तो कहता अगर कंपनी में इक्विटी शेयर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक सुपीरियर और दूसरे को आप क्या कह सकते हैं? इन्फीरियर। कहता अगर आपके पास सुपीरियर इक्विटी शेयर्स हैं वोटिंग राइट, जिसे आप चाहें प्लीज ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये कुछ नहीं है। जैसे कंपनीज एक्ट में हम कहते थे DVR, नॉर्मली वो शेयर होते हैं जिनको वोटिंग राइट कम होते हैं, तो जो DVR नहीं है बाकी कह लीजिए। तो कहता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक से काम नहीं चलेगा, कितने चाहिए? 2/3। और 2/3 इससे पहले कहीं पढ़ा? यस, ऑडिट कमेटी में पढ़ा था सेबी रेगुलेशन में, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। देखिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, जैसे बिना देखे आप मेरे साथ कोशिश करें याद करने की। सोचिए इन
चार कमेटीज हैं, लेकिन ध्यान रखिए चारों की चारों कमेटी में से आरएमसी छोड़ दे, वो कंपनीज एक्ट में नहीं है, बाकी सारी की सारी कंपनीज एक्ट में भी है, इसलिए कंपनीज एक्ट साथ में लेके चलेंगे। हमने एक चीज सीख ली, चारों कमेटियों में जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? डायरेक्टर होते हैं। क्या कोई चेंज है आंसर? यस। क्या चेंज है? एसआरसी कंपनीज एक्ट 178 में देखते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट में एक ही सेक्शन है 178, एनआरसी के लिए भी, एसआरसी के लिए भी। वहां पे कंपनीज एक्ट साइलेंट था, क्योंकि हमने वर्ड क्या पढ़ा? एज बीओडी डिसाइड्स है। आरएमसी में हमने पढ़ा कम से कम तीन होंगे, क्या वो डायरेक्टर होंगे? मेजॉरिटी डायरेक्टर के, बाकी हर जगह चलिए इतना शुक्र है, मिनिमम क्या चल रहा है? तीन। कुछ डिफरेंट है? है। एनआरसी में वो तीन के तीन नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, और कंपनीज एक्ट भी यही था। देन अगला पॉइंट हम क्या पढ़ते हैं? अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑडिट कमेटी में सेबी रेगुलेशन कहता है कम से कम 2/3, जबकि कंपनीज एक्ट कहता है मेजॉरिटी। शुक्र है एनआरसी, सेबी रेगुलेशन और कंपनीज एक्ट सेम आंसर है, आधे। एसआरसी में कंपनीज एक्ट साइलेंट है, लेकिन सेबी रेगुलेशन तो हमेशा कहती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। क्यों? अरे क्योंकि हम जानते हैं, हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आपको रखने होंगे। आपको याद हो दो कैटेगरी में हमने पढ़े थे, 1/3 और हाफ, कि आपका वो नॉन एग्जीक्यूटिव 6% के ऊपर आंसर था। तो एसआरसी में सेबी रेगुलेशन में एक चाहिए, आरएमसी में भी एक चाहिए, लेकिन अगर कंपनी के पास क्या है? एसआर इक्विटी शेयर्स है, तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने कम से कम 2/3। आई होप सो आपको याद हुआ होगा। कहानी आगे बढ़ती है, अब है चेयरपर्सन जो बनाएंगे आप कमेटी का। ऑडिट कमेटी में सेबी रेगुलेशन कहती है कि भाई साहब चेयरपर्सन हमेशा ही कौन होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। जबकि कंपनीज एक्ट इस पॉइंट पे क्या है? साइलेंट, राइट? जैसे मैं कंपनीज एक्ट भी आपको शो करूं, ये है कंपनीज एक्ट आपका, ऑडिट कमेटी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट? तो वहां पे ऐसी कोई बात सच नहीं है कि चेयरपर्सन से रिलेटेड है कुछ पॉइंट्स, लेकिन थोड़े डिफरेंट है। देन चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, कंपनीज एक्ट है साइलेंट। नाउ गोइंग टू एनआरसी, चलिए आंसर फिर सेम है, सेबी रेगुलेशन कहती है चेयरपर्सन टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और कंपनीज एक्ट भी क्या कह रहा है? सेम कह रहा है, चेयरपर्सन। चलिए ये भी बड़ी अच्छी बात है, कम से कम एनआरसी में सेबी रेगुलेशन और कंपनीज एक्ट के विचार एक जैसे हैं। ये एक ट्रिक थोड़ा सा संभाल सकते हैं पेपर तक गड़बड़ आए तो, कि एनआरसी का सेबी प्लस कंपनीज एक्ट का लगभग आंसर क्या जा रहा है? अभी तक तो सेम है। देन एसआरसी में सेबी रेगुलेशन एंड कंपनीज एक्ट का आंसर फिर सेम है, टिक लिखा है कि चेयरपर्सन सिर्फ कौन होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। नॉन एग्जीक्यूटिव अब क्या नहीं लिखा, समस्या ये आ गई, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लिखा, तो यहां तक बच्चे का दिमाग फिर खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा दिमाग खराब मत कीजिए, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। ऑडिट कमेटी में सेबी रेगुलेशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, कंपनीज एक्ट ऐसा नहीं कहता, एनआरसी में दोनों में आंसर सेम है, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट ही होगा, एसआरसी में दोनों में सेम है, नॉन एग्जीक्यूटिव होगा। व्हाट अबाउट आरएमसी? कहता शेल बी मेंबर ऑफ बोर्ड, बोर्ड का मतलब भी क्या हो गया? डायरेक्टर। जैसे हमने कहा आरएमसी में कम से कम तीन मेंबर होते हैं, उसमें मेजॉरिटी किसकी होती है? डायरेक्टर्स की होती है। तो कहता चेयरपर्सन कौन होगा? डायरेक्टर होगा, मतलब नॉर्मल व्यक्ति जो मेंबर है लेकिन डायरेक्टर नहीं है वो क्या नहीं बन सकता? चेयरपर्सन नहीं बन सकता, ये आपको देखना है, राइट? सर आरएमसी में डायरेक्टर आपने बता दिया, मेजॉरिटी होगी उनकी, सर ये बाकी लोग कौन होंगे? सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं कंपनी में, मे बी व्हाट मेंबर्स, ये क्या हो सकते हैं? नॉन डायरेक्टर। वर्ड ध्यान दीजिएगा साथ में क्या है? मे बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं चेयरपर्सन की एक ड्यूटी है, भाई क्या ड्यूटी है? चेयरपर्सन टू बी प्रेजेंट एट एजीएम टू आंसर, ध्यान दीजिएगा वर्ड है आंसर, क्या? शेयर होल्डर क्वेरीज। कहता चेयरपर्सन को ऑडिट कमेटी के
एजीएम में आना ही पड़ेगा। एजीएम किसकी होती है? मेंबर्स की होती है, शेयर होल्डर के जो क्वेश्चनिंग करेंगे आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और चलिए अच्छी बात यह भी है, कंपनीज एक्ट भी क्या कहता है, सेम आंसर है, राइट। नाउ गोइंग टू एनआरसी। एनआरसी में कहता है अगेन आंसर क्या है, शुक्र है सेम है, टू बी प्रेजेंट एट व्हाट, एजीएम, टू आंसर क्वेरीज ऑफ व्हाट, शेयर होल्डर, बट अप टू हिम हु शैल आंसर क्वेरीज। मतलब वो एजीएम में आना चाहिए शेयर होल्डर की क्वेरीज के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है वो आंसर खुद दे, मतलब उसके बिहाफ पे आंसर कौन दे सकता है, कोई और नहीं, ये है डिफरेंट, बट अप टू हिम हु शैल आंसर द क्वेरीज। और कंपनीज एक्ट में भी देखिए आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एटलीस्ट ऑडिट कमेटी हो, एनआरसी हो, रेगुलेशन प्लस कंपनीज एक्ट का आंसर क्या है, सेम है कि चेयरपर्सन को आना पड़ेगा टू आंसर शेयर होल्डर क्वेरीज। लेकिन एनआरसी में उसके बिहाफ पे कोई और ऑथराइज हो सकता है। व्हाट अबाउट एसआरसी? चलिए क्योंकि दोनों का देखिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन सेम है, ये गलती मत कीजिए, राइट, इसलिए एसआरसी का भी आंसर क्या है, सेम है। और अब थोड़ा सा टेक्निकल देख लीजिए प्लीज ये पॉइंट। कंपनीज एक्ट में दरअसल एसआरसी और एनआरसी में एक हल्का सा जरूर है, देखिए क्या लिखा है, कॉमन पॉइंट फॉर एनआरसी एंड एसआरसी, चेयरपर्सन ऑफ बोथ, ये वर्ड लिखा है, चेयरपर्सन बेटे किसका, दोनों का, एनआरसी एसआरसी का, अटेंड करेगा जीएम इन पर्सन या किसी और को क्या कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है, उसके बिहाफ पे कोई और आ सकता है, मतलब हल्का सा ट्विस्ट जरूर है आंसर में, राइट। तो मतलब अगर बिल्कुल टेक्निकल आप इस चार्ट में डालना चाहें, एनआरसी एसआरसी जहां तक सेबी रेगुलेशन है ये आंसर इधर भी क्या है, सेम है। और कंपनीज एक्ट का अगर हम आंसर लेके चलें तो आप यहीं पे साथ में एक वर्ड डाल सकते हैं, और मे ऑथराइज एनी मेंबर, राइट। तो ये वर्ड अगर आपने डालना हो, एंड गोइंग टू द अगेन एसआरसी कंपनीज एक्ट, ऐसे लिख सकते हैं आप यहां पे, या तो पूरा का पूरा ही लिख दीजिए टिक करने के बाद कि हाँ जी चेयरमैन को आना पड़ेगा, और मैं ऑथराइज एनी व्हाट मेंबर। तो थोड़ा स्पेस का भी इश्यू रहता है भैया, लेकिन जितना मैं मेंशन कर सकता हूं आई एम ट्राइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मीटिंग्स, देखिए क्या होता है बोर्ड मीटिंग, जो हमने कंपनीज एक्ट में 173 एंड सेबी रेगुलेशन में रेगुलेशन नंबर 17 में पढ़ा था, चार होती है वो थी बोर्ड मीटिंग, और हमने पढ़ा था मैक्सिमम गैप होता है 120 दिन का, हमने वहां कोरम भी पढ़ा था, सेबी रेगुलेशन में होगा 1/3 और 3 डायरेक्टर विच वर इज हायर, जबकि कंपनीज एक्ट में था 1/3 और 2 विच वर इज हायर। चलिए कम से कम यहां एक थोड़ी सी खुशी की बात है, नंबर ऑफ मीटिंग्स किसकी, डू नॉट फॉरगेट ऑडिट कमेटी की, सेबी रेगुलेशन कहता है 4 एक साल में, मैक्सिमम गैप 120 डेज, तो चलिए ये तो अच्छा हो गया, वही आंसर है जो बोर्ड मीटिंग का था। अब कंपनीज एक्ट में जब हम 177 में ऑडिट कमेटी पढ़ते हैं तो उसमें बोर्ड मीटिंग, ये ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स कितनी होंगी ये सब नहीं बता रखा, साइलेंट है लॉ, क्लियर है। नाउ गोइंग टू एनआरसी, सेबी रेगुलेशन कहती है कम से कम साल में एक, कंपनीज एक्ट फिर से एनआरसी हो, एसआरसी पे साइलेंट है, और यहां पे सेबी रेगुलेशन एनआरसी हो एसआरसी हो क्या करिए, साल में एक, ऑडिट कमेटी में 4। नाउ गोइंग टू आरएमसी, आरएमसी में देखिए मीटिंग कितनी बताई गई है, ट्वाइस इन ईयर, साल में कितनी, साल में आपको करनी है 2, दो करनी है, और मैक्सिमम गैप कितना रखेंगे बिटवीन टू मीटिंग्स, 180 दिन बताया गया है, जबकि ऑडिट कमेटी में कितना है 120।
और मैं ये कहूंगा आरएमसी में पीछे देखिए ये काफी चेंजेस से आंसर ये चेंज हुआ तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा आरएमसी को ज्यादा तवज्जो देनी है आपने थैंक्स टू द अमेंडमेंट्स। तो यहां दो बताया गया जैसे पहले एक हुआ करती थी, और मैक्सिमम गैप रखेंगे आप कितने दिन का, 180 डेज का, 120 नहीं है। चलिए साहब ये होगी नंबर ऑफ मीटिंग्स, तो अगला प्रश्न क्या आएगा क्वॉरम पे, क्वॉरम क्या बताएगा ऑडिट कमेटी में, दो मेंबर और वन थर्ड ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज वॉट हायर, जबकि बोर्ड मीटिंग में क्या था, तीन मेंबर थे बोर्ड मीटिंग में सेबी रेगुलेशन, जबकि कंपनीज एक्ट में क्या था, दो ही था। तो मतलब मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी साहब, और कहता उसमें से कम कितने प्रेजेंट हो, दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी पक्का चाहिए कॉरम में, वैसे भी कितने चाहिए, दो और वन थर्ड विच एवर इज वॉट हायर, लेकिन पक्का दो इंडिपेंडेंट भी चाहिए। बाकी ब्रैकेट में मैंने वही लिखा है रेगुलेशन 17-2 जो हम पढ़ के आए थे, बोर्ड मीटिंग में कॉरम था तीन और वन थर्ड विच एवर इज वॉट हायर। देखिए कंपनीज एक्ट जब नंबर ऑफ मीटिंग्स पे साइलेंट है तो कॉरम पे भी साइलेंट होगा। एनआरसी, चलिए इतनी अच्छी बात है आंसर ऑडिट कमेटी वाला सेम आ गया, लेकिन एक समस्या वहां पे भी आ गई। जैसे ऑडिट कमेटी कह रही थी दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेरे को चाहिए, यहां क्या कहता है एक। कंपनीज एक्ट तो चलिए समझ ही गया आप, मीटिंग की बात नहीं कर रहा तो कॉरम की क्यों करेगा। एसआरसी सेबी रेगुलेशन में नहीं बताया कॉरम से रिलेटेड। व्हाट अबाउट आरएमसी, बिल्कुल बताया। चलिए थोड़ा बचाव यहां पे भी है, दो मेंबर और वन थर्ड विच एवर इज वॉट हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ बोर्ड, बोर्ड का मतलब क्या हो गया डायरेक्टर इन अटेंडेंस। अरे बाप रे बाप, ये क्लेश है। ऑडिट कमेटी में दो आईडी चाहिए, एनआरसी में एक आईडी चाहिए, आरएमसी में एक डायरेक्टर चाहिए, क्योंकि आरएमसी में सारे मेंबर डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कम से कम तीन मेंबर होंगे, मेजोरिटी किसकी होगी डायरेक्टर की होगी। अदर पॉइंट्स कहता ऑल मेंबर्स टू बी फाइनेंशियल लिटरेट, ये कंपनीज एक्ट में भी सेम है। देखिए ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी का मतलब भी क्या हो गया, ऑडिट करना किसका, अकाउंट्स का, पैसे का। तो इसलिए मेंबर सिर्फ वही रखो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, इसे आसान वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेट। एंड एटलीस्ट वन मेंबर टू बी एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग और वॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता एक एक्सपर्ट पक्का उनमें से एक तो हो, लिटरल सारे हो लेकिन एक एक्सपर्ट पक्का ले लो। सीएस क्या होगा, टू एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ व्हाट, ऑडिट कमेटी। अच्छा कंपनीज एक्ट ये इन पॉइंट्स पे बात नहीं करता इसलिए क्रॉस लिखा। डिस्क्रिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, डिस्क्रिशन का मतलब बेटे चॉइस। टू इनवाइट एट मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी फाइनेंस डायरेक्टर और हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिटर एंड एनी अदर एग्जीक्यूटिव, कि ऑडिट कमेटी चाहे तो अपनी मीटिंग्स वगैरह में इनवाइट कर सकती है किसको भाई, कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर को या हेड ऑफ फाइनेंस को, सीएफओ कह लो या इंटरनल ऑडिटर को या स्टैच्यूटरी ऑडिटर को या एनी अदर एग्जीक्यूटिव, चाहे तो बुला सकते हैं, यहां ऐसा कुछ मेनली नहीं है कंपनीज एक्ट में। देन पावर ऑफ ऑडिट कमेटी टू इन्वेस्टिगेट, कि ऑडिट कमेटी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ये सेम पावर आप कंपनीज एक्ट में भी देखेंगे। एनी एक्टिविटी विद इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, देखिए ऑडिट कमेटी वही कार्य करती है जो उसे बोर्ड ने दिया, इसे कहते हैं टू एक्ट एज पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो किसी से भी, ये वर्ड है इंफॉर्मेशन पूरा लिख सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, वो ऑब्टेन कर सकते हैं आउटसाइड लीगल एडवाइस या प्रोफेशनल वॉट एडवाइस या एक्सपर्ट्स कह लो, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यहां पे, अरे भैया इन्वेस्टिगेट कर रहे हो आप, तो जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो आप बाहर की लीगल या एक्सपर्ट्स की सुविधाएं ले सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा ये जो अदर पॉइंट्स में इतना कुछ टेक्निकल हमने नहीं पढ़ा, एटलीस्ट दैट्स अ इजी फैक्टर। नाउ गोइंग टू एनआरसी, कहता चेयरपर्सन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, अरे वो तो अंडरस्टूड है कि लिस्टेड कंपनी है तभी से अभी रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। कहता चेयरपर्सन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, कहता चेयरपर्सन कंपनी का, कहता हो सकता है वो ईडी हो या क्या हो, नॉन ईडी। अरे सर कहना क्या चाहते हो, प्लीज ऊपर वाला याद करो, हमने पहले एनआरसी में कहा था तीन होंगे और सारे के सारे क्या होंगे, नॉन एडी, तो वो है ही नॉन एग्जीक्यूटिव, राइट। तो नॉन एग्जीक्यूटिव है वो अलग बात है, आधे क्या चाहिए उसमें से, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए।
बेटा बात को ढंग से समझना, एनआरसी में सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, जिसका मतलब है वो ड्यूल कैपेसिटी में नहीं है कि डायरेक्टर के साथ कंपनी के क्या हो, एम्प्लॉय वगैरह हो। इंडिपेंडेंट आधे हैं, और इंडिपेंडेंट देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव ही होते हैं। तो चेयरपर्सन हमने ये नहीं कहा नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, हमने क्या कहा इंडिपेंडेंट है, तो वो बाई डिफॉल्ट वो कौन नॉन एग्जीक्यूटिव है। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखिए जो मार्क किया उसको समझो, चेयरपर्सन ये है कंपनी का, कहता कंपनी का चेयरपर्सन हो सकता है वो ईडी हो या क्या हो नॉन ईडी। कहता मे बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ एनआरसी। सर आपने तो एनआरसी में कहा था सारे के सारे डायरेक्टर क्या होंगे नॉन ईडी, तो एक आदमी के लिए एक्सेप्शन है, किसके लिए कंपनी का चेयरपर्सन। अगर देखो नॉन ईडी है तो कोई टेंशन ही नहीं, अगर वो ईडी है भाई साहब वो तब भी एनआरसी में आ सकता है, वो एनआरसी में आ तो जाएगा लेकिन वो कभी भी क्या नहीं बन सकता, क्योंकि चेयरपर्सन तो बनाने कौन है इंडिपेंडेंट को, बट शैल नॉट चेयर इट। क्लियर है? तो एक तरह से क्या कह लो, चेयरपर्सन ऑफ कंपनी का एक प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब बेटे बेनिफिट हो गया कि वो यहां आ सकता है इवन इफ वो क्या है राइट। और यही सेम आंसर आप क्या देखेंगे कंपनी साइड। नाउ गोइंग टू एसआरसी, बोर्ड टू डिसाइड अदर मेंबर्स ऑफ एसआरसी, ये क्या कह गया। देखिए सेबी रेगुलेशन कहती है एसआरसी में तीन लोग होंगे और तीनों के तीनों क्या होंगे डायरेक्टर, उनमें से एक क्या चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरपर्सन कौन होगा नॉन एग्जीक्यूटिव होगा। कहता एसआरसी में कुछ अलग लोग भी आ सकते हैं जिसे कौन डिसाइड करेगा बोर्ड। अब कंपनीज एक्ट का आंसर देखो मैंने आपको क्या लिख दिया था, अरे भैया कंपनीज एक्ट में जितने मेंबर होंगे वो डिसाइड ही कौन करता है बोर्ड ही करता है। क्लियर है? ये लिख के दिया था यहां पे ब्रैकेट में एज बीओडी डिसाइड, सेम ही आंसर यहां। नाउ गोइंग टू आरएमसी, अलग से पॉइंट क्या है देखिए आरएमसी लास्ट हमारा, कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिफाइन रोल ऑफ आरएमसी। क्या देखो एक चीज कॉमन सेंस यूज करना, ये जितनी भी कमेटियां होती हैं बोर्ड के नीचे होती हैं, क्योंकि सारे डायरेक्टर्स को कहते हैं बोर्ड, उनमें से कुछ उठा के क्या बना दी कमेटी, इसलिए इनका जो भी रोल होता है ना बेसिकली ये कौन डिफाइन करता है बोर्ड राइट। रोल ऑफ आरएमसी एंड उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बोर्ड में डेलीगेट मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान टू आरएमसी। मतलब कंपनियों में क्या बनाते हो आप, जो भी कंपनियों को फ्यूचर में क्या हो सकते हैं रिस्क हो सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए प्लान बनाने का काम आप किसको दे दोगे। अरे आरएमसी का नाम ही क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। एंड सच अदर फंक्शंस एज इट डीम्स फिट, सच फंक्शन टू स्पेसिफिकली कवर व्हाट, साइबर सिक्योरिटी कह लीजिए। कहता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आरएमसी का क्या है, टू मैंडेटरी इंक्लूड परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस स्पेसिफाइड इन पार्ट डी ऑफ व्हाट स्केड्यूल टू। मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेबी रेगुलेशन के दो हिस्से हैं, एक सब्सटेंसिव पार्ट और एक क्या प्रोसीजरल पार्ट। तो मतलब मेनली आरएमसी के फंक्शंस क्या है, कहां बताए गए हैं बेटा पार्ट डी ऑफ स्केड्यूल टू में। कहता आरएमसी के पास पावर्स ये हैं, सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोई भी एम्प्लॉय, इवन ऑब्टेन आउटसाइड लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस, जैसे हमने ऑडिट कमेटी में पढ़ा था इन्वेस्टिगेट कर सकते वो, एंड सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स विद रेलिवेंट एक्सपर्टाइज इफ इट कंसिडर्स नेसेसरी। तो वही जब आप बाहर के एडवाइस ले रहे हो तो उनको आप बुला भी सकते हो अपनी मीटिंग्स में। नंबर ऑफ मीटिंग्स की हमने बात कर ली थी, क्वॉरम की बात कर ली थी। एक लास्ट पॉइंट आरएमसी में आता है एप्लीकेबिलिटी। आरएमसी देखिए सेबी रेगुलेशंस, रेगुलेशन 18, 19, 20, 21 चार पढ़ी हमने चार कमेटियों पे। तो सेबी रेगुलेशन किस पे लग रही है, ये कमेटियां बनानी हर लिस्टेड एंटिटी को, लेकिन आरएमसी चाहे आप लिस्टेड हो तब भी नहीं बनानी। कब बनानी है, आरएमसी के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है उसकी एप्लीकेबिलिटी का, टॉप व्हाट 1000 लिस्टेड एंटिटीज को ही आरएमसी बनानी है। और 1000 में कैसे डिटरमिन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एट एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं, जितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आपकी ट्रेड हुई इनटू वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू। साथ में कहता एक तो 1000 टॉप लिस्टेड एंटिटीज, एंड नंबर दो है हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी याद कीजिएगा, हमने जब रिस्ट्रेंट पढ़ा था, प्लीज याद कीजिएगा, कमिटी से रिलेटेड रेगुलेशन ने एक 26 पढ़ी थी हमने, एक रिस्ट्रेंट था कि डायरेक्टर के ऊपर
वो इन कमेटियों में मेंबर ज्यादा से ज्यादा कितने में बन सकता है? 10 में, चेयरपर्सन बन सकता है 5 में। और हमने कहा था जब काउंटिंग करनी है उसके अंदर प्राइवेट कंपनी नहीं लेनी, फॉरेन कंपनी नहीं लेनी, सेक्शन 8 कंपनी नहीं लेनी, एंड ये नहीं लेना, वहां हमने ये पढ़ा था। और देखिए थोड़ा सा साइड में मैंने वो लिख भी दिया, कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबिलिटी, चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, एसी हो, एनआरसी हो, अगर आप लिस्टेड हैं या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में लिमिट्स क्या आती हैं, ये 3 जो मैंने आपको जिक्र भी किया, राइट। तो ये एक अलग से हो गया, एक तरह से ये भी आपको चीज साथ में पक्का लेके चले। तो इसके साथ ये हमारा कमेटीज वाला खत्म होता है, और साथ में मैं जैसे अभी मैंने जिक्र किया था नोट कौन सा बेटे, ये रेगुलेशन नंबर 26 था, किसके ऊपर था ये, रिस्ट्रेंट ऑन मैक्सिमम डायरेक्टरशिप। और बेटे ये रिस्ट्रेंट किसके ऊपर था, ये सिर्फ कमेटीज के ऊपर था, एसी एंड व्हाट एसआरसी। तो इसलिए रेड विद इसको भी साथ में लेके चलना चाहिए। तो इसके साथ हमारा ये चार्ट यहां पे समाप्त होता है, लेकिन समाप्त नहीं होता, इससे एक थोड़ा सा अंदर से डर फैक्टर क्रिएट होता है बच्चे को, अरे मेरे को याद होगा या नहीं। हिम्मत कीजिए, आपको याद होगा, कोशिश करें आप मेरे साथ बिना इसको देखे याद करने की। पहली बात, कितनी कमेटीज आई बेटे, 4, एसी, एनआरसी, एसआरसी, थोड़ा नाम देख लीजिए एसआरसी का, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रेगुलेशन 18, 19, 20, ध्यान दीजिएगा कंपनीज एक्ट में भी ये तीनों है। रेगुलेशन 21 आरएमसी कंपनीज एक्ट में नहीं है, सेबी रेगुलेशन में है, हाँ है, क्या हर एंटिटी पे लगेगा, नहीं, ये लगता है टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी एंड हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी में, ये ध्यान रखें, एक हल्का सा अलग से फर्क। अब कंपनीज एक्ट में एक चीज पक्का याद रख लें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहां चाहिए था, जिन कंपनी में चाहिए था वहां पे एसी बनती है, वहीं पे एनआरसी बनती है, लिस्टेड प्लस अनलिस्टेड भी, मतलब सेबी रेगुलेशन तो अनलिस्टेड पे लगती ही नहीं है, लेकिन ऑडिट कमेटी एनआरसी कंपनीज एक्ट में अनलिस्टेड पे भी लगता है अगर आप 3 लिमिट में आते हैं, 10, 100, more than 50, पीयूसी, टर्नओवर, डीडीएल, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मतलब डी से डिपॉजिट, डी से डिबेंचर, एल से लोन्स। एसआरसी कंपनीज एक्ट में माना एनआरसी एसआरसी का सेक्शन सेम है 178, लेकिन एसआरसी तब चाहिए होता है जब 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर्स हो ड्यूरिंग द ईयर। अब कहानी आती है, ये कमेटियां बनी है, इनमें होंगे मेंबर्स, एसी में कितने होंगे सोचिए, 3 डायरेक्टर, कंपनीज एक्ट भी सेम, एनआरसी भी यही 3, लेकिन तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव, कंपनीज एक्ट भी सेम, एसआरसी फिर से 3, लेकिन कंपनीज एक्ट में लेके चलते हैं तो कहता बोर्ड डिसाइड करेगा, वहां ये नहीं बताया गया डायरेक्टर हो। आरएमसी 3 मेंबर है, उसमें से मेजॉरिटी डायरेक्टर की होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए, एसी में आपको चाहिए 2/3, लेकिन कंपनीज एक्ट में एसी में कितना चाहिए, मेजॉरिटी। और एनआरसी चाहे कंपनीज एक्ट हो चाहे सेबी रेगुलेशन हो, शुगर आंसर सेम था, आधे 50%। एसआरसी में 1 चाहिए था, कंपनी सेक्ट नहीं कहता, आरएमसी में भी कहता है 1 इंडिपेंडेंट चाहिए, लेकिन वहां एक इश्यू था, अगर आप वो लिस्टेड एंटिटी हो जिसने जारी किए एसआर इक्विटी शेयर, स्टैंड्स फॉर सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, राइट, जिसका मतलब है सुपीरियर वोटिंग राइट है, तो आपका 1 आईडी से काम नहीं चलेगा, कम से कम कितने चाहिए होंगे, 2/3, राइट। देन आता है इन कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा, ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनीज एक्ट साइलेंट है, एनआरसी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनीज एक्ट भी सेम है, एसआरसी में कहता नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा चेयरपर्सन, और यही आंसर कंपनीज एक्ट का भी था। आरएमसी में चेयरपर्सन कहता डायरेक्टर होगा, मेंबर ऑफ द बोर्ड, जिसका मतलब है आंसर क्या होगा, डायरेक्टर, थोड़ा सा 0.88 आ जाता है। नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑडिट कमेटी में 4 ही करनी है, कंपनीज एक्ट साइलेंट है, कंपनीज एक्ट ये नंबर ऑफ मीटिंग्स पे कहीं नहीं है, नंबर ऑफ मीटिंग 4, ज्यादा से ज्यादा गैप 120 दिन का। एनआरसी सिर्फ 1, एसआरसी सिर्फ 1,
आरएमसी दो करनी है, उसमें मैक्सिमम गैप था 180 दिन का, 180। अब आता है कोरम, तो कोरम है ऑडिट कमेटी में आपका, सेम वही आंसर था जो हमने पहले भी पढ़ा, किसका, बोर्ड मीटिंग का, एक ट्विस्ट के साथ। बोर्ड मीटिंग में था सेबी रेगुलेशन में 3 और 1/3, 3 को आप क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 और 1/3 विच एवर इज हायर। लेकिन एक समस्या आगे और भी है, कम से कम 2 क्या होने चाहिए आईडी। एनआरसी का भी आंसर क्या है, शुक्र यही है, 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, लेकिन उसने क्या कह दिया, 2 नहीं सिर्फ कितना, 1 आईडी, राइट। देन अगर हम देखते हैं एसआरसी में, ऐसा नहीं बताया गया कोरम के बारे में, आरएमसी में बताया गया, आंसर यही है 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, और कहता है एक पक्का डायरेक्टर हो मीटिंग में, इंडिपेंडेंट नहीं बताया गया, क्या बताया गया, एक डायरेक्टर। इसके बाद देखिए हमने अदर पॉइंट्स में देखिए कोई खास नहीं है, हमने कहा ऑडिट कमेटी में सारे मेंबर्स फाइनेंशियली लिटरेट हो और कम से कम एक एक्सपर्ट जरूर हो अकाउंटिंग या रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। एनआरसी में कंपनी सेक्ट में भी आंसर सेम है, कंपनी का चेयरपर्सन हो सकता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, लेकिन उसके लिए एक्सेप्शन बनाई गई है, वो एनआरसी में मेंबर बन सकता है, बस वो क्या नहीं बनेगा, चेयरपर्सन। आरएमसी में अगर हम अलग से कोई और पॉइंट देखते हैं तो वही आया था कि ये 1000 लिस्टेड एंटिटीज में आए, उन्हीं कंपनियों के लिए चाहिए, हर लिस्टेड में नहीं चाहिए, एंड हाई वैल्यू डेट सिक्योरिटीज में चाहिए। फिर इनका हमने कहा था फंक्शन क्या है, पार्ट डू डी स्केड्यूल नंबर 2 में जो लिखा हुआ है, तो यहां हम इसे समाप्त करते हैं, थैंक यू।